हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों मैंने ऑनलाइन एक पीएच मीटर परचेस किया था। ये दोस्तों पौधों का पीएच लेवल देखने के काम आता है, यानी कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है पीएच मीटर और इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। लगभग 550 रुपये का मैंने इसको परचेज़ किया है। दोस्तों ये बड़ी ही यूज़फुल चीज़ है, जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पॉट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने लगभग 550 रुपये का इसको ख़रीदा है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और ये किस किस तरह से आपके पौधे के लिए बेनिफिशियल है। देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है ये क्या क्या इसका यूजेस है, पूरी चीज़ें इस प्लांट्स के बारे में पूरी नॉलेज इसके पीछे बैकग्राउंड में लिखी हुई है। और एक बार मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सिंपल सा इसमें एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का रोड लगा हुआ है। दोस्तों पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पौधे के अंदर बताता है कि आपका पौधा कितना अल्कालाइन है और कितना एसिडिक है। आपके पौधे की सॉइल अगर आप इसको पीएच के ऊपर रखते हैं, इस बटन को, ये देखिए 3-in-1 मीटर है और ये एक एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर नहीं है। इसमें कोई बैटरी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक आप इसमें वाटर का लेवल यूज देख सकते हैं, आपके पानी को, पानी आपके पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, और कितना आपका पौधा अल्कालाइन या एसिडिक है, मतलब कितनी उसको खाद की ज़रूरत है अभी या नहीं है। और तीसरा इसकी लाइट भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पौधे को प्रॉपर लाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये तीनों चीज़ें आप इस मीटर से चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी ही यूज़फुल चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसमें पौधे की तीनों चीज़ें जांच सकते हैं, उसका पीएच लेवल देख सकते हैं, उसकी लाइट देख सकते हैं, उसका वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं। इट मीन्स तीनों चीज़ें आप बड़े ही आसानी से इसमें देख सकते हैं और इसमें कोई बैटरी लगाने का भी झंझट नहीं है। काफ़ी सिंपल सा ये मीटर है। दोस्तों इसको मैं लेके आ गया हूँ अपने प्लांट के पास में और मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए ये मेरा मोगरे का पौधा है, मेरा ये जैस्मिन प्लांट है। तो इसको आपको धीरे से रोड्स को अंदर डालना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने डाल दिया है, ज़्यादा अंदर मत डालेगा वरना ये प्लांट के पॉट के नीचे तक की सॉइल को देख लेगा, जहाँ पे ऑलरेडी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी देखिए मैंने इसको वाटर पे किया हुआ है, तो अभी ये पौधे के अंदर मेरा ठीक ठाक है, पानी की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने इसको ऐसे पीएच पे कर दिया है तो मेरा पीएच लेवल भी ठीक है पौधे का। और तो ये मैंने लाइट पे कर दिया तो लाइट भी ठीक है, मतलब बहुत इजी है। रेड ब्लू ग्रीन, या 3 इंडिकेशन इस पे दिए हुए हैं। रेड यानी खतरा है, ब्लू यानी
ज़्यादा हो गया, और ग्रीन यानी ओके परफेक्ट है। तो अगर आपका ब्लू पे साइन आता है तो इस मतलब आपने पानी ज़्यादा है उसमें, ग्रीन पे आता है तो पानी ओके है, और रेड पे आता है तो पानी बिल्कुल कम है। जैसे देखिए मैंने इसमें डाल दिया है अपने एलोवेरा वाले पौधे में। सिंपल सेट दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा ईजी है इसको यूज़ करना, रेड ब्लू ग्रीन। तो आपके घर में भी अगर पॉट्स हैं तो आप उसको देखिए, ये मेरा तुलसी का पौधा है, अभी अभी मैंने लगाया है थोड़े दिन पहले। देखिए इसका भी मैं पीएच लेवल देख लेता हूँ एक बार, वाटर लेवल देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें दोस्तों मेरे इस वाले पॉट के अंदर परलाइट डला हुआ है, तो परलाइट की वजह से पानी का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें पानी कम देना होता है। जिस पौधे में आपने परलाइट डाला हुआ है, जिस सॉइल में, तो वो सॉइल आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा गुलाब का पौधा है, तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसका भी लेवल आप देखिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है, हर पौधे की ज़रूरत अलग होती है, किसी में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी में पानी कम चाहिए होता है, किसी में सॉइल अल्कलिक चाहिए होती है, किसी में एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, कोई फर्टिलाइज़र अल्कलाइन होता है, कोई फर्टिलाइज़र एसिडिक होता है, तो हर चीज़ का अलग होता है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए ये मीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर गार्डनर के पास ये मीटर होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने परचेस किया था। देखिए मेरा इसलिए वाला पौधा है, इसमें भी लगा के देख सकते हैं दोस्तों। ये तीनों चीज़ें आपकी बताएगा, आपकी सॉइल कितनी अल्कलाइन है, कितनी एसिडिक है, कितना वाटर लेवल आपका कम है पानी में, पौधे में आपको कितना पानी देना चाहिए अभी या नहीं देना चाहिए। आजकल जिस तरह से प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं तो भी पानी का नहीं पता चलता, ओवर वाटरिंग हो जाती है गलती से और पौधा हमारा मरने लगता है। तो ये ऐसे में आपका ये मीटर बहुत ज़्यादा आपका यूज़फुल है, पानी देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लाइट का भी हमें पता नहीं चलता कि हमें लाइट प्रॉपर हमारे पौधे को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हम कभी अंधेरे में रख देते हैं, कभी सॉफ्ट लाइट में रख देते हैं, अपने रूम में रख देते हैं, तो पौधा हमारा मर जाता है धीरे धीरे, हमें पता नहीं चल पाता वो क्यों मर रहा है। तो इससे आप लाइट का लेवल भी देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों। ये आप भी देखिए अपने अपने गार्डन के लिए, आप भी परचेस कीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके।